हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक अवेयरनेस में हरियाणा के बारे में। ओके, हरियाणा के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने 7 स्टेट्स के बारे में बात किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, तो आप उनको ज़रूर देखें। स्टैटिक अवेयरनेस का है। ओके, एंड अगर हम हरियाणा की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़ एंड इट वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1966। समथिंग अबाउट मी, आज मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने बारे में आप अपना नाम बता दीजिए। ठीक है, बता दिया करो। तो मेरा नाम कुमार गौरव है और मैंने RRBPO प्रीलिम्स प्लस मेंस 2018 क्लियर किया हुआ है, और मैंने SBIPO प्री और IBPS PO प्री भी 2018 का क्लियर किया था। ओके, एंड आप मुझे फेसबुक पेज कनेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है वो कुमार गौरव के नाम से है। ओके, तो ये है मेरे बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब हरियाणा की। अगर बात करें तो थोड़ा हिस्ट्री में मैं जाऊँगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड पंजाब सूबा, और ये जो मूवमेंट चलाया गया था ये पंजाब को एक सेपरेट कंट्री बनाने के लिए चलाया गया था। ओके, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी। ओके, उसके बाद ठीक है, तो पंजाब पहले अगर हम बात करें तो पंजाब एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, और इसको जब कंट्री बनाने की मांग की तो उनको पैसिफाई करने के लिए पंजाब को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा देना चाहा इंडियन गवर्नमेंट ने, और उसके बाद पंजाब को तीन टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, जो पंजाबी स्पीकिंग थे उनको पंजाब दिया गया, जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे वो हरियाणा। ओके, जो हिंदी स्पीकिंग थे, और जो हिली यानी माउंटेन रीजन्स थे उनको हिमाचल प्रदेश, उसको उस रीजन को हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। तो ये तीनों स्टेट्स एक ही दिन क्रिएट हुए और वो है 1 नवंबर 1966, इसलिए हरियाणा डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा का संयुक्त कैपिटल बनाया गया, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है एज ऑफ नाउ, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यह है बीपी सिंह बडनोर। ओके, और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। आगे बढ़ते हैं, तो हिमाचल प्रदेश CM है मनोहर लाल खट्टर। ओके, गवर्नर इस सत्यदेव नारायण आर्या। ओके, पहले गवर्नर थे कप्तान सिंह सोलंकी, और कप्तान सिंह सोलंकी अभी त्रिपुरा के गवर्नर हैं। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कुल 22 जिले हैं हरियाणा में, और लोकसभा सीट्स 10 लोकसभा MP चुन के आते हैं लोअर हाउस में। ठीक है, और अपर हाउस यानी राज्यसभा से में 5 MP जो कि हरियाणा से चुन के जाते हैं। स्टेट असेंबली की बात करें तो जो हरियाणा के हरियाणा का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, जहाँ पे केवल एक ही हाउस है, बाई कैमरल यानी दो हाउस। जैसे अगर सेंटर की बात करें पार्लियामेंट की तो लोकसभा राज्यसभा, और अगर असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट हरियाणा में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहाँ पे 90 MLA चुन के आते हैं, और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में है वहाँ पे। ओके, नेबरिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो हरियाणा शेयर्स बॉर्डर विथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो उत्तराखंड से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर हम मैप्स में देखें तो मैप्स में यह ऊपर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे पंजाब एंड दिस रीजन राजस्थान, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और यहीं पे उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्टेट सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर SSC एग्ज़ाम्स। ओके, तो स्टेट सिंबल्स में ब्लैक बक स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, तो फ्रैंकोलिन का मतलब होता है तीतर यानी काला तीतर, इसको कहते हैं काला तीतर। ठीक है, और स्टेट फ्लावर है लोटस एंड स्टेट ट्री पीपल। ठीक है, स्टेट ट्री है पीपल। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो सुपर इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क है, और बर्ड सेंचुरी का भी इनको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो बर्ड सेंचुरी भी अगर है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनको बर्ड सेंचुरी का भी दर्जा मिला हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो वीर सिकारगर, अबूब शहर, छिलछिला, खपरवास, नाहर, भिंडवास एंड सियोनसार, यू हैव टू मग इट अप, और कोई रास्ता नहीं, आपको याद ये रटना ही पड़ेगा। और छिलछिला ये पूछा गया एग्ज़ाम में,
चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये IBPSPO 2017 मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैम्स एंड रिवर्स की बात करते हैं तो हथनी कुंड बैराज ये यमुना पे बनाया गया है और दिल्ली को जो पीने का पानी सप्लाई होता है वो इसी बैराज से होता है, हथनी कुंड से ही होता है। कौशल्या डैम इज़ ऑन कौशल्या रिवर। ओटू डैम घाघर हक से घाघर हक। ओके, पथराला डैम इज़ ऑन सोम रिवर एंड ताजेवाला इज़ ऑन यमुना रिवर। वैसे डैम्स एंड रिवर्स की बात करते हैं तो हरियाणा के डैम्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ओडिशा के डैम्स इम्पोर्टेंट होते हैं, आंध्र प्रदेश के डैम इम्पोर्टेंट हैं फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, केरला के ओके एंड कर्नाटका, तो ये सब के डैम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, और भी जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं उसकी सीरीज़ में मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सारे इम्पोर्टेंट डैम्स की बात करूँगा, पर इन स्टेट से ज़्यादातर पूछे जाते हैं डैम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोक डांसेस की बात करते हैं तो फोक डांसेस धमाल, लूर, छाती एंड खोरिया, तो ये चार इम्पोर्टेंट फोक डांस, इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ फोक डांसेस ऑफ हरियाणा। ओके, एंड पावर प्लांट्स, तो पावर प्लांट्स में एटॉमिक पावर स्टेशन की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, अब गोरखपुर से कंफ्यूज नहीं होना है, गोरखपुर यूपी में भी है जो कि वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी था पहले। ओके, सो उससे कंफ्यूज नहीं होना, एटॉमिक पावर स्टेशन ये गोरखपुर फतेहाबाद में है, ये हरियाणा में है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर, ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ कोयला से बिजली की बिजली को बनाया जाता है, तो ये पानीपत थर्मल पावर स्टेशन इज इन पानीपत, जो बैटल ऑफ पानीपत आपने सुना होगा। राजीव गांधी TPS इज इन हिसार, हिसार बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ये वहाँ का, हरियाणा का। दीन बंधु छोटू राम TPS इज इन यमुनानगर, यमुनानगर। और फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन इज़ इन फरीदाबाद, ये सबसे बड़ा शहर है, फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है हरियाणा का। ओके, और हरियाणा का एक और इम्पोर्टेंट सिटी है गुरुग्राम, गुरुग्राम जिसका पहले नाम था गुड़गांव, गुड़गांव जिसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया। और इंडिया में एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का भी हेडक्वार्टर है, तो ये आप याद रखेंगे। तो दिस वाज द स्टैटिक अवेयरनेस फॉर हरियाणा, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी सजेशन एडवाइस डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मेरे प्रोफाइल पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।